सब्सक्राइब करें जॉब कार इन्फो चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जॉब कार इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी सीएचएसएल 2017-18 रिक्रूटमेंट का एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया है। हाँ दोस्तों बात करें इसकी वैकेंसी की, तो टोटल 3,259 पोस्ट आई थी, जिसमें से एलडीसी और जेएसए 898 पोस्ट के आए थे। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट सबसे ज़्यादा 2,359 पोस्ट के लिए आए थे और डाटा एंट्री ऑपरेटर में बस दो पोस्ट आए थे दोस्तों, जिसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना बहुत ही ज़रूरी था। दोस्तों बात करें एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड तो लॉन्च हो गई है दोस्तों, और एग्ज़ाम का डेट आपको बता दिया जाए तो प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4 तारीख से 26 मार्च 2018 तक एग्ज़ाम चलेगी। दोस्तों आपका एग्ज़ाम कोई भी डेट में पड़ सकता है, आप यहाँ दिए गए लिंक पे आप जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड अलग अलग होता है, जैसे कि एडमिट कार्ड सीआर रीजन का अलग है और अदर रीजन का अलग है। तो दोस्तों सीआर रीजन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जा करके आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और अदर रीजन के लिए भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों, आप आराम से वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों सिलेबस की बात करें तो मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया है, आप लिंक पे विजिट करके सिलेबस भी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको दिक्कत हो, अगर जो आप रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड आप भूल जाते हो, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप वहाँ में अपने नाम, अपने पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके ईजिली आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हो दोस्तों एसएससी की वेबसाइट में ज़्यादा रश होने के कारण दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आप सभी को प्रॉब्लम होगा, पर आप घबराएं नहीं दोस्तों, आप कुछ समय बाद इसे डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जब चाहो तब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और हाँ, आपका परेशान ना हो दोस्तों, मुझे कमेंट लिख दे, मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।